क्वेश्चन नंबर टू, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। ये हमारी इक्वेशन है n प्लस 5 इक्वल टू 19, n इक्वल टू 1। n जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू दे रखी है हमें। ये जो n की वैल्यू है हमें इक्वेशन में पुट करके देखेंगे इसमें क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं आती। यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यदि हमारी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है तो दिस इज नॉट एन दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हमें यही आंसर करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर टू का ए पार्ट है एन प्लस 5 इक्वल टू 19। एन वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है 1। तो वन पुट करेंगे, एन किस गए 1 प्लस 5 इक्वल टू 19, 5 प्लस 1 6 इक्वल टू 19। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम इसके अकॉर्डिंग बताएंगे क्या ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नो, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट है 7 n प्लस 5 इक्वल टू 19। n की वैल्यू क्या पुट करनी है, -2। 7 ब्रैकेट में ले लेंगे, -2 प्लस 5 इक्वल टू 19। 7 2 जा 14, -14, क्योंकि 7 प्लस का है और ये माइनस का है। प्लस माइनस माइनस, +5 इक्वल टू 19। -14 प्लस 5 -9 इक्वल टू 19। लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में -9 है और राइट हैंड साइड में 19 है। सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो दिस वेरिएबल इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट है 7 n प्लस 5 इक्वल टू 19, n इक्वल टू 2। 7 एन किस गए क्या पुट करेंगे, 2 प्लस 5 इक्वल टू 19। 7 2 जा 14, दोनों ही प्लस में है, प्लस में 5 इक्वल टू 19। 14 प्लस 5 19 इक्वल टू 19। हेयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट है 4p -3 इक्वल टू 13। p की वैल्यू 1 पुट करनी है हमें। 4p किस गए 1 पुट करेंगे, -3 इक्वल टू 13। 4 1 जा, ध्यान रहे ये प्लस माइनस में नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। 4 1 जा 4 -3 इक्वल टू 13। 4 में से 3 लेस करेंगे क्योंकि प्लस का 4 है और माइनस के 3 है। 1 इक्वल टू 13, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर है क्या। लेफ्ट हैंड साइड हमारा 1 है और राइट हैंड साइड 13 है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस वेरिएबल इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इज दैट क्लियर?
ये पार्ट है 4p-3=13। पी की वैल्यू हमें पुट करनी है -4। 4 ब्रैकेट में -4 -3=13। 4 4 जा 16, -16 -3=13। -16 -3 सेम साइन है, ऐड कर देंगे -19=13। हेयर लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के इक्वल है? नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। पी की जो वैल्यू है -4 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। फोर पी माइनस थ्री इक्वल टू 13। पी की वैल्यू पुट करनी है 0। 4 ब्रैकेट में 0 -3=13। 4 को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा, -3=13। -3=13। लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है? -3 एंड राइट हैंड साइड में 13। दैट्स वाई पी की जो वैल्यू, पी जो वेरिएबल है, इसकी वैल्यू जो 0 है, इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या लिखेंगे हम इसमें? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। P इक्वल टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन।